Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn the third standard term 1 English subject lesson number 6, its exercise. So let's begin. Okay, the title of this lesson is Laughing Song, jise William Black ne likha tha. Aur Laughing Song ek nature se based karta hua poem hai, jahan par humne dekha three girls, Mary, सूजन एंड एमली, ये सब आपस में डांस कर रहे हैं और ग्रीन वुड, ठीक है, हिल्स, मेडोज, ग्रास हूपर्स, ये सभी बहुत खुश हैं, है ना. और ये कौन सा गाना गा रहे हैं? हा हा ही, लॉफिंग सॉन्ग. ओके, सो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसके एक्सरसाइज को. ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने ये वाला एक्सरसाइज सॉल्व किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. करेक्ट ऑप्शन चुनना और ब्लैंक में फिल करना है. द वुड्स आर, वुड्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन. द ब्लैंक लॉफ विद द मैरी विट, कौन है जो मैरी विट से हंस रहा है? वाटर, एयर या स्काई? तो आंसर था हमारे पास एयर, ठीक है. द ब्लैंक लॉफ इन द सैड, कौन है जो सैड में हंस रहा है? तो आंसर था पेंटेड बर्ड्स. ओके वेल, देयर आर ब्लैंक ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है? एप्पल्स, ग्रेप्स या चेरीज? राइट आंसर इज चेरीज. ओके, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ था. आगे का ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, मैं इसका आंसर भी करूँगा, ये आपसे भी बन जाएगा वैसे ये आंसर, ठीक है. फिर भी आप इसको मेरे द्वारा जो बोला जाएगा उसे आपको लिखना है. आंसर दिस क्वेश्चन, नेम एनी फोर थिंग्स दैट लॉफ इन द पोयम. पोयम में कौन सी चार चीज़ें हंस रही हैं? तो यहाँ पर है Four things that laugh in the poems are: one, green woods; second, air; third, meadows; fourth, grasshopper. ये चार आप आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है. ओके नेक्स्ट, नेम द थ्री गर्ल्स मेंशनड बाय द पोएट. पोएट के द्वारा किन तीन गर्ल्स का नाम लिया गया है उसका नाम बताइए. तो क्या क्या नाम अभी अपन ने पढ़ा? ओके, द थ्री गर्ल्स मेंशन्ड बाय द पोएट आर मैरी, सूजन, एमली. मैरी, सूजन, एमली, ठीक है. इसकी स्पेलिंग जो है इस आंसर की ना, आप लेसन से, पोएम से देख लेंगे तो आपसे बन जाएगा इजिली, अंडरस्टैंड. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हमारे अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स. Choose the correct words from the box to form compound words. ये box में से हमें कुछ words चुनना है और इन words के साथ ये words add होंगे और उसकी सही meanings निकालेंगे. तो ध्यान रखना, white के साथ हमेशा हम कौन सा word use करते हैं? Generally यहाँ पर जो option में दिया है तो right option इस पर आएगा white wash. White wash मतलब पुताई करना. घर की हम अभी दीपावली के समय में पुताई करते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं white wash. White wash means पुताई करना. फोर के साथ हमेशा ऐड होता है हेड, फोर हेड. फोर हेड मीन्स माथा, ठीक है. आप अपने माथे पे ऐसे हाथ रखिए तो ये आपका क्या है? फोर हेड. थंडर, थंडर के साथ हमेशा वर्ड आप ऐड करेंगे स्टॉर्म, स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, ठीक है. इसी तरीके से वाटर, वाटर के साथ आप ऐड कर दीजिए फॉल, वाटर फॉल, ठीक है. झरना जो गिरता है ना, झरना को हम क्या बोलते हैं? वाटर फॉल. इसी तरीके से ब्लैक, ब्लैक के साथ आप स्मिथ यूज़ कर दीजिए. तो ब्लैक स्मिथ, आपने लोहार को देखा है काम करते हो, जो आपके घर के लिए जो आपका एक्स होता है ना, टंगिया होता है, या जिसे हम कुल्हाड़ी बोलते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें बनाने का काम कौन करता है? ब्लैक स्मिथ, राइट. इसी तरीके से न्यूज़ के साथ अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा जुड़ेगा? पेपर, न्यूज़ पेपर. तो मैंने लिखा हुआ है, ये आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, अंडरस्टैंड. ओके नेक्स्ट, यहाँ पर एक स्पीकिंग प्रैक्टिस है डियर स्टूडेंट्स. ये स्पीकिंग प्रैक्टिस को ध्यान से देखिए. वी अपोलोजाइज, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, वी अपोलोजाइज. अपोलोजाइज मतलब से सॉरी, किसी से अगर हम कोई गलती कर बैठते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उससे माफ़ी मांगते हैं, उसके लिए हमें शर्मिंदगी होती है, उसे हम बोलते हैं अपोलोजाइज, ठीक है. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन रमन एंड हिज फ्रेंड्स. रमन और उसके फ्रेंड्स के बीच में कुछ कन्वर्सेशन है. वेयर रमन अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, यहाँ पर रमन नाम का जो लड़का है वो लेट हो गया है, ठीक है. जैसे हमको कोई कोई प्रोग्राम में जाना होता है, ठीक है,
तो अगर हम स्कूल लेट हो जाते हैं तो लेट पहुंचने पर हमें क्या होता है, दुख होता है, इसके लिए हमें सॉरी बोलना पड़ता है। तो रमन भी लेट हो चुका है, अब देखिए उनके बीच में कैसी बातें होती हैं। लुक इट सौरव, हाय रमन, हाउ आर यू। जब जब भी हम किसी व्यक्ति से मिल रहे तो हम क्या पूछते हैं उससे, हाउ आर यू। तो रमन क्या बोलता है, हेलो सौरव, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो शरद पूछता है, व्हाट मेड यू लेट, तुम्हें लेट किसने कराया, व्हाट मेड यू लेट। तो यहाँ पर रमन आंसर करते हैं, रमन का आंसर है, ये खुद का बनाया हुआ आंसर है डियर स्टूडेंट्स। तो रमन एक आंसर देते हैं कि क्यों लेट हुए, तो क्या बोलते हैं, देयर वॉज ट्रैफिक ऑन द रोड, रोड में काफ़ी ट्रैफिक था इसलिए मैं लेट हुआ। तो सौरभ बोलता है, यू नो वी आर लेट, तुम्हें पता है कि हम लेट हो चुके हैं। तो रमन बोलता है, वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी, एक बार मुझे बहुत इस बात के लिए मुझे बहुत दुख है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ये था हमारा कन्वर्सेशन। ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको भी अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से सॉरी बोलना चाहिए। ओके वेल लेट्स, यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसे आपको यूज़ ऑफ इट, यूज़ ऑफ देयर, जो कि स्पोकन का मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है, उसके हेल्प से आप बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। ओके यूज़ ऑफ इट, यूज़ ऑफ देयर, ठीक है। ओके लुक एट द पिक्चर, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, ये पिक्चर को देखिए और अपने से डिस्क्राइब करिए। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ओके देयर आर, वन टू थ्री, देयर आर थ्री बॉयज एंड देयर आर टू गर्ल्स। ओके ये क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। ओके नेक्स्ट, देयर इज वन डॉग विद देम। ओके वेल देयर आर थ्री मैन एंड देयर आर थ्री वुमेन। ओके वेल इसके बाद मैन मैंस या मैन आर अरेंजिंग फूड एंड वुमेन आर टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर सेलिब्रेटिंग पिकनिक, दे आर सेलिब्रेटिंग पिकनिक। ओके तो ये आपका डिस्क्राइब हो गया। तो आपने क्या किया भाई, आपने ज़्यादातर देयर का यूज़ किया, देयर के यूज़ से आपने यहाँ पर बना लिया इस सेंटेंस को। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस शुड बी योर ओन क्रिएटिविटी, आपका खुद की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अंडरस्टैंड, गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके यहाँ पर हमारे पास एक प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस है डियर स्टूडेंट्स, रीड दीज सेंटेंसेस, स्ट्रेस ऑन द हाईलाइटेड सी के वर्ड्स। स्ट्रेस का मतलब खींचना है, ठीक है। सी के का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आपका मीनिंग कैसा प्रोनाउंसिएशन निकालना है, क, सी के से क्या बनेगा, क, ठीक है। द बेबी लाइक्स टू प्ले विथ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स क को खींचना है। द गीज चैकल्ड ऑन द फॉर्म, द गीज चैकल्ड ऑन द फॉर्म। A pilot sits in the cockpit. Cockpit. The train runs on tracks. Houses are made of bricks. Okay? तो ये pronunciation आपको ध्यान रखना है, जहाँ कहीं पर भी सी के का वर्ड एक साथ आएगा तो उसका pronunciation होगा क, और उसे आपको खींचते हुए बोलना है, स्ट्रेस देते हुए बोलना है। अंडरस्टैंड, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे इस टर्म वन इंग्लिश सब्जेक्ट थर्ड स्टैंडर्ड के लास्ट लेसन का कंप्लीट एक्सरसाइज। ओके अब आप सारे वीडियोस एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, सारे एक्सरसाइज पूरे याद कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद अब आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, जिसको आपको एग्ज़ाम देना होगा डियर स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड, सो नाउ कीप स्टडिंग, घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।